नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चले बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी शहर में आज एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने भीमताल में हुई बड़ी चोरी का खुलासा मात्र 24 घंटे के अंदर कर दिया। इस दौरान खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि भीमताल से चोरी किए गए 12 तोला सोने के जेवरात के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें पकड़ा गया शातिर चोर भवाली का रहने वाला अकील है। वहीं बरामद किए गए सामान की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा एसएसपी ने बताया कि आरोपी ने एक दिन पहले घर से जेवरात चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आप सभी शहरवासियों को जंगल फिस्टा परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। और हल्द्वानी के गैस गोदाम रोड में स्थित जंगल फिस्टा एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज खाने की कई तरह की वैरायटीज मिलती हैं, और स्वाद के साथ जो इस रेस्टोरेंट की बाकी जगहों से अलग बात है वो है यहाँ का थीम। जी हाँ, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रेस्टोरेंट जंगल की थीम पर बना हुआ है, तो आप भी आइए और अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल एक बार यहाँ जरूर बिताइए। तो आइए कभी जंगल फिस्टा। हल्द्वानी में कल देर रात सिंधी चौराहे के सामने स्थित होली मैदान पर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। बता दें, जिस दौरान अतिक्रमित भूमि को पूरी तरह से प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा नगर निगम की ओर से बनाई गई कुछ ही महीनों पहले की दीवारों को भी अब इस कार्रवाई में तोड़ा जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें, बीते कुछ महीनों पहले ही दीवार बनी थी और उसमें सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया गया था, और आज अतिक्रमण की कार्रवाई के चलते निगम द्वारा उसे भी तोड़ा गया है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड, कॉल 9012266789। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, जिसको लेकर बहुचर्चित हत्याकांड में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SDM कोर्ट में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जिस दौरान कांग्रेस ने अंकिता के पिता की चिट्ठी को लेकर भाजपा के ऊपर कई सवाल खड़े करते हुए चिट्ठी में लिखे गए भाजपा के बड़े नेता पर कार्रवाई की मांग की, और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सरकार के इस हत्याकांड में शामिल VIP के नाम को सार्वजनिक न करने को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए। नमस्कार, मैं पंकज कुमार आर्य आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं, कशिश हीरो शोरूम पर आप लोग पधारें और हमें सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद। हल्द्वानी में फौजी की पत्नी को भगाकर छात्र फरार हो गया। आपको बता दें, छात्र को फौजी की पत्नी से इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया और फौजी की पत्नी अपने बच्चों और पति को छोड़कर फरार हो गई, और ऐसे में एक महीने बाद वो पुलिस को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मिली और हल्द्वानी लौटी तो बहुत मुश्किल से पति के पास जाने को राजी हुई। इस दौरान कोतवाली हल्द्वानी में उसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। काठगोदाम थाना पुलिस ने आज बागजाला तिराहे के पास से एक युवक को 314 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विक्की जोशी बताया, जो कि बागजाल गोलापार थाना काठगोदाम का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में SO विमल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे कोर्ट में पेशी के लिए भी भेज दिया गया है। बहरहाल, आरोपी चरस कहां से लाया उसका भी कुछ पता नहीं लग पाया है, जिसके लिए पुलिस जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।